हेलो दोस्तों, आपका पटियाला एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम गिफन गुड्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे हो, ये गिफन गुड्स के लिए डायग्राम है। एक साइड में ये इस साइड में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और इधर क्वांटिटी जो डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। ये उस तरीके की गुड्स है। मान लो आपने एक यूनिट प्राइस इंक्रीज हो गया, तो पहले इस लेवल पे जो उसे ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। ए पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ए डैश लगा लीजिए, और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है बी डैश, बी पॉइंट पे। तो जैसे ये प्राइस इंक्रीज हुआ है, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इतना क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड ये इंक्रीज हुआ। अब हमने देखो, नॉर्मल हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पे गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। मान लो आप खुद देखिए, कोई भी चीज की प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग उससे कम खरीदेंगे, तो नॉर्मली ठीक है। तो अब ये कौन सी गुड्स हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ठीक है, अब आप ये लीजिए कि गुड्स हैं इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, और वो वाली वैसे इन्फीरियर गुड्स हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विदाउट सब्स्टिट्यूट, इनका कोई बदल नहीं है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स हैं। एग्जाम्पल कौन सी लेंगे हम इसकी, एग्जाम्पल ले लो पोटैटोज हो गए, पोटैटो हो गए, राइस हो गए, ठीक है, और बाजरा, जवाहर, कोई भी है ना, जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरत की रहती हैं, ठीक है, बहुत जरूरत की हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं है कि, है ना, तो और इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने इन चीजों को नॉर्मली हम देखते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है। राइस जिसने खाना है उसको राइस खाना ही है, ठीक है, आपको घर में चीनी चाहिए तो चीनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर इसके लिए क्या रहता है कि आपको, अब ये देखिए इन गुड्स में सबसे पहले रीजन क्या है कि उनके प्राइस इंक्रीज होने पे इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती है। इसका रीजन एक ही रीजन है इसका, कि जो पुअर पीपल है, बेसिकली जो पुअर पीपल इनको यूज करते हैं, पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल जो इनको यूज करते हैं, उनका फियर होता है, फियर होता है कि जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आगे चल के ये प्राइस और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा, ठीक है, और इंक्रीज होने पे, ठीक है, उनको और अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट फूड आइटम इसकी नहीं है उनके पास कोई, तो उनको इसका स्टॉक करना रहता है। प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उनको फियर होता है कि भाई और इंक्रीज होगा, तो इसलिए वो स्टॉक करके रखना चाहते हैं, ठीक है, बफर रखना चाहते हैं अपने पास, क्योंकि डर है फ्यूचर में और इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द मेन रीजन यही है कि आपको इनका प्राइस इंक्रीज होने पे इनका क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होता है, ठीक है, बिकॉज बफर के लिए, बफर स्टॉक रखने के लिए अपने पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका डिमांड, इन गुड्स का, गिफन गुड्स का डिमांड इंक्रीज होएगा इनके प्राइस इंक्रीज होने पे, ठीक है। जैसे कि आप चार्ट में, हम दोबारा चार्ट में देख लेते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है इनकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।